हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेट यूबर चित्रा। होप यू ऑल आर वेल। आज के इस वीडियो में मैं वुडन ट्रे डेकोरेट करने वाली हूँ, जिसका प्रोसेस बहुत ही इजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो पे। यहाँ पे मैंने एक वुडन ट्रे लिया है, जो कि मैंने लोकल मार्केट से 100 रुपीज़ में परचेज किया था। तो अब इसके ऊपर हम पहले जैसो का एक कोट अप्लाई कर देंगे, देन जैसे ही जैसो सूख जाएगा हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेकोपाज पेपर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हमें जो डिज़ाइन चाहिए उसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से बॉर्डर्स को कट कर लिया है, क्योंकि इसका यूज़ मैं आउटर साइड में करूँगी और मुझे सिर्फ मिडल का और कॉर्नर्स की डिज़ाइन चाहिए। तो अब हम बेस कोट तैयार कर लेंगे। तो जो कलर डेकोपाज में हो सेम उसी तरह का ही हमें बेस तैयार करना होता है। अब इसके आउटर बॉर्डर पे मैंने डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे कोई और कलर भी कर सकते हैं, लाइक पिंक या फिर अदर कोई। जो कलर फैल गए थे उसको मैंने वाइट कलर से कवर कर दिया है। तो अब बारी है डेकोपाज की। तो मुझे जो डिज़ाइन चाहिए मैं उसको कट कर लूँगी। आप चाहें तो पूरा डेकोपाज एज इट इज इसको चिपका सकते हैं, बट मुझे सिर्फ कुछ ही डिज़ाइन चाहिए थी। तो जो जो डिज़ाइन मुझे चाहिए वो मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे डेकोपाज को काट लिया है। अब इसको मैं सेट करके देख लूंगी मुझे कहाँ कैसी डिज़ाइन चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको रख कर देख लिया। अब मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे कहाँ पे क्या पेस्ट करना है। ये जगह थोड़ी खाली लग रही थी, तो मैंने बाकी बचे डेकोपाज को भी इस तरह से काट के यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अब मॉड पॉज की हेल्प से हम इसे स्टिक करेंगे। इस तरह से मैंने सभी में मॉड पॉज यूज करके सबको अच्छे से स्टिक कर लिया है। जैसे ही सारे डेकोपाज स्टिक हो जाएं, उसके ऊपर फिर से आपको मॉड पॉज ग्लू का एक कोट अप्लाई करना है। तो अच्छे से मॉड पॉज ग्लू अप्लाई करने के बाद अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मॉड पॉज ग्लू सूखता है हम ट्रे के आउटर कॉर्नर को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डेकोपाज के बॉर्डर को कट किया था उसे स्टिक करेंगे। इस तरह से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे जो वाइट दिख रहा है कलर, यहाँ पे हम मैजेंटा कलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैजेंटा कलर यूज कर लिया है। अब हम इसके बॉर्डर्स को डार्क कर देंगे। तो इस तरह से मैंने अंदर और बाहर हर तरफ से बॉर्डर को डार्क कर दिया है, एक आउटलाइन बना दी है। तो सब कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने स्टेंसिल का यूज़ किया है। यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना ली है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी स्टिक कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ पर मोल्डिंग पेस्ट का यूज़ कर लिया है। इस तरह से सारा प्रोसेस हो जाने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। देन अब यहाँ पे मैंने कॉपर कलर का यूज़ किया है, जिससे थोड़ी शाइनिंग आ जाए। अब पूरी तरह से सूख जाने के बाद हम इस पर वार्निश के एक कोट अप्लाई करेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से वार्निश का कोट अप्लाई कर लिया था।
अब बारी है रेजिन की। तो मैं आज पहली बार रेजिन यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें हार्डनर का 1 पोर्शन और रेजिन के 2 पोर्शंस लेने होते हैं। मतलब अगर हमने 1 कप हार्डनर लिया है तो हमें 2 कप रेजिन लेना होता है। और इस तरह से इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। मुझे कोल्ड है जिस वजह से बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम अपने ट्रे पे अच्छे से पोर कर देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से रेजिन मैंने सब पे अप्लाई कर लिया है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रेजिन मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से मैंने सब पे रेजिन अप्लाई कर लिया था और बचे हुए रेजिन को लिपन आर्ट पे स्प्रेड कर लिया है ताकि मेरा रेजिन वेस्ट ना हो। आप भी कभी भी रेजिन अगर एक्स्ट्रा बन जाए तो उसे इसी तरह से यूज़ कर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।